मामा लगता है पूरा बैंक लूट के अंदर ही लेकर आया। दादी कैसे हमारी निम्र ना ना अभी ना मैं भी आऊंगी अभी। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज ऋषिका हियर। तो अभी बज रहे हैं 8:30 और अभी हम लोग लेट उठे हैं थोड़ा सा क्योंकि हॉलीडे है, संडे है, कल है मेरा एग्ज़ाम, उसके लिए भी पढ़ना था। अभी तो मम्मी लोग जा रहे थे अमृतसर, उस दिन का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया था एक्चुअली, क्योंकि मैं छोड़ने वाली थी मम्मी को, पर फिर मैं नहीं गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए। तो और मम्मा लोग अभी पहुँच जाएंगे आधे एक घंटे में स्टेशन पर, फिर यहाँ पर मतलब 10:30-11 तक वो लोग पहुँच जाएंगे। फटाफट से घर की सफाई कर लेते हैं वरना हमें किचन में। इन दोनों का काम तो सोना ही है। अय्या सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी तू यहाँ सोई है, इसके सीधा बाल लो। आज इतनी तेज हवा चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्टन्स वगैरह कैसे उड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक कपल बैठा हुआ है और यहाँ पे मेरा कालू, ये देखिए जरा मौसम, थोड़ा सा हम भी हवा का आनंद ले लेते हैं और फिर करते हैं काम। ये मेरी मम्मा ने बनाए थे, ये मतलब एक बेडशीट पड़ी थी वेस्ट थी, वो यूज़ में आ नहीं रही थी, तो फिर मम्मी ने जुगाड़ लगा के ये कुशन बना दिया उसका। तो मेरी मम्मी ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बहुत बढ़िया बना लेती है। सो गाइज अभी मैं भी ब्रश ब्रश कर लेती हूँ, मुँह हाथ धो लेती हूँ और फिर उसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट। आज मैं बनाया है पोहा, दिखाते हैं ज़रा आप लोगों को भी। ये मलाना हाल नो आएगी ठीक है, पहले मेरे में क्या करीस, अरे मिस रांची ने भर दी, पहले क्या करीस पोहा, अरे कुछ कर रख दे पोहा, अजी ऐड करी हाँ। तो अब वो देख उसका कलर देख और इसका कलर देख जरा कितना डाल दे, डाल दे बस, इतने चलाक है ना ये लोग, मेरा वाला पोहा देखो जरा कितना फीका फीका लग रहा था, मेरे आगे चलाक ही नहीं चलने वाली तुम लोगों की। तो गाइस मम्मा को कॉल किया था, मम्मा लोग भी बैठ चुके हैं, अभी वो लोग पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, तो तब तक के लिए फटाफट से अभी हल्का फुल्का ठंडा तो लग ही रहा है, खैर अभी मैं हाथ धो लेती हूँ। बाकी ये तो बैठ गया खाने, इसका तो खत्म भी हो चुका है खा के, सारांशी का कुछ काम की नहीं है लड़की, भगवान कसम इसको देख के मुझे ना गुस्सा बड़ा आता है। कैसे आ गए झुक झुक के चल रहे दोनों बहने और यहाँ पे चाय और समोसे समोसे लेके आ रहे थे मम्मी लोग, ब्रेकफास्ट किया नहीं था इन लोगों ने, तो अभी खा रहे हैं मेरी चॉकलेट वाली दादी। तो गाइस दादी ने हमारे लिए चॉकलेट भेजी है, हमारे लिए सब बच्चों के लिए मतलब सबके लिए दादी ने चॉकलेट भेज रखी है। तो गाइस अभी मम्मा लोग ऊपर जा गए हैं, अभी मैं जाऊंगी ट्यूशन पढ़ाने के लिए 4 बजे, ना करना मेरे पैर नंगे भेजो बेवकूफ ले बस। हाँ तो अभी गाइस मैंने दादी को बोला था, दादी ना बोली थी मैं तेरे लिए क्या भेजू, मैंने कहा चॉकलेट भेज देना, तो अभी दादी ने बोला कि कौन सी वाली चाहिए, मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपको फोटो भेजती हूँ, तो मेरे को ना ओरियो रेड वेलवेट बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं दादी को फोटो भेजा, दादी ने मेरे लिए चॉकलेट भेजी है, इट वाज मच नीडेड, मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी फिलहाल अभी, तो अभी मस्त आराम से इन्जॉय करेंगे इसको। मैंने दादी को सिर्फ अपने लिए मंगाई थी बट दादी ने इन दोनों बांदरियों के लिए भी भेज दी है, और ये भी मैं इन्हें नहीं देने वाली हूँ, ये अकेले मैं ही खाऊंगी। तो दादी थैंक यू सो मच इसके लिए, से थैंक यू, थैंक यू दादी ऐसे बोलती है, आई लव यू दादी। ना इस लड़की ने सुबह से बाल बनाए हैं, यहाँ दे तब हम मुझे भी दे सरंची, तू बहुत ये दोनों भूखे हैं इस घर में, चप्पल के बिना चप्पल के आई है लड़ाई करने, दैट्स माय दोनों हमेशा डरते रहते हैं। मेरे बेटे भी खाती से तो जाओ, मैं खाते मैं भी आऊंगी, यहाँ पे रख, यहाँ पे मेरा सुन चलो गाइस इसने सुबह से बाल नहीं करा, यहाँ देखो सरांची मत करे ऐसा, मेरा है वो, मैं तीन खाने वाली हूँ, दो और दे दे मेरे को बस, हाँ एक और है बस। दादी कैसे हमारी निम्र ना ना अभी अम्मा दादी कैसे हो, निम्र था वैसे क्यों मैं बता रही क्यों हो, क्योंकि दादी ने चॉकलेट्स भेजे ना इसके लिए, गाइस इतनी चॉकलेट थी पहली बार खा ली थी जिंदगी में तभी मैंने खा रखी बहुत बार, ये लेके आई है मेरे लिए ये बना के, जो कि मैं इसको नहीं बस इतनी मत छ क्या
थैंक यू सो मच, बहुत टेस्टी होता है ये, टेस्टी। तेरा नाम क्या है फिर? काली कलुटी माई। तो बस फटाफट से खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। गाइस को और थोड़ा दे दे यार, कितनी देखो आप देख सकते हो 7 साल बड़ी है, बट स्टिल शी इज लाइक अ किड। तो गाइज आपको जैसे पता है कि मम्मा अमृतसर गए थे, आ चुके हैं, तो हमारे त्यौहार वगैरह भी खुल गए हैं। बाजी की बरसी थी, मतलब जो मेरे दादू थे उनके भाई की डेथ हुई थी ना, तो उनकी आज बरसी, मतलब कल बरसी हो चुकी है। तो आज अभी हमारे फेस्टिवल्स खुल चुके हैं, अभी हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ये मामा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हेलो, तो ये मामा हमको टीका लगाने के लिए आए हैं। ऐसे बोलते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है तो मामा टीका वीका लगाते हैं, और यहाँ पे सब बैठे हैं। कल चल रही है हमारा, ठीक है, इसको नहीं पता तो वीडियो देख के पता कर लेना, ये एक्चुअली होता है, होता है, लोगों का मेन ट्रेडिशन ये है। तो चलिए अब मामा ये यहाँ पे टीका विका मम्मी बना के लेके आ चुकी है, अभी मामा मिल जाएगा ना, गाड़ी रजाई में बसा लगा नहीं है, आ रहे आ गया ना, यहाँ ऋषि का यहाँ तो यहाँ बस एता बस हाल लाइन वाइज बसा ली। तो पहला तेल लगाने हो? मैंने तो वहां खोल लिया ना, मेरा हो गया है। तो भाई सके हो? ओ दक्षिणा दे दियो इधर, नहीं दक्षिणा दे सकता इधर, दक्षिणा का कुछ नहीं है, वो दे सकते हैं मन में तभी था पहले दीदी का हम दे। हाँ तो दो हाथ से लगा, तुम पैरों से लगाएगा। ये हो हर साल त्योहार, भगवान खुशी वस्तु, मामा का नाम रोशन कर लूं, और त्योहार ऐसे ही तुम्हारे हम लोग त्योहार परिवार को संग मिले मनाने यो चीज हम लोग गुरु खाली है, तो हम लोग लागे बहुत जरूरी है। और मां वाला बिरसी ने हुई ना, क्योंकि मामा का हर चीज में अहम भूमिका मामा ने निभाई है। ठीक है, तुम लोग भरपूर आशीर्वाद से मेरे और सब को, ठीक है, चार डोंगिन चो बनने है ना मामा, लगता है पूरा बैंक लूट के अंदर ही लेकर आया सुनो क्या फोटो भेजो चल मेरे, चल हां ये सुन जा मोरे सुन जा मुख तो ले ले ना ऋषि जल्दी से नमस्ते हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है, आप हिंदू हिंदू कल्चर को फॉलो करते हो, हिंदी ही बोलते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बाकी अपना पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग कटिंग शेडिंग अच्छे से करना, उंगली मत काट लेना करते करते, ठीक है, मम्मी की बेटी नहीं है जी, ये मेरी बहन ने मुझे रुमाल दिया है, तो मतलब रुमाल की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब इन दोनों का फेस देख सकते हो, अभी खुशी नहीं है क्योंकि इन्हें अभी कैश नहीं मिली है, इनको इनको दिव्य दक्षिणा नहीं मिल रही, तो इसलिए ये लोग बिल्कुल नाराज टाइप के हैं अभी। अब होंगे खुश हम मामा का बैंक खुलने। अरे वो क्या मम्मी हंस रही थी, मामा की तरफ कैमरा ना घुमाए, इतने भी मत गिर जा रहे, मैं आ चलो कपड़ा सब मत धो रे, पूरा हाल कर दे रख दे तो रख अब ना। अरे मम्मी मम्मी को टीका तो लगाना नहीं होता, बट कैश देना होता है तो दे दी, इतने ज्यादा की मुट्ठी बंद नहीं होती, हंसी का ठिकाना नहीं है इनका पास। अच्छा यार मैं एक चीज बताना भूल गया था, एक्चुअली क्या की जो मेरे दीदी और मेरे भांजी लोग है ना, इनका मतलब परिवार का 3 साल के बाद जाके त्योहार खुला है, बताओ 3 साल लगा लो 23 हो गया ना, 20 से इनका त्योहार बनता। सो गाइस मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रही हूँ, और यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो लोग बैठ के अपना मस्त टीवी देख रहे हैं, अभी यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ रही हूँ, रात को कॉफी बना के पीऊंगी, सुबह मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम 9 बजे शुरू है, तो 8 बजे घर से निकल जाना है मेरे को। तो ठीक है गाइस अभी पढ़ लेते हैं, और मम्मी ने यहाँ पे मेरे को खाना ला के दे दिया है गरम गरम खाना। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ गाइस, मेरी तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं है इसीलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, ठीक है, एंड बाय।